हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो आपको कैंची के बारे में, जो हमारा ये फॉर्म बन रहा है 45x225 का, जो इसकी ट्रस बन रही है, तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर, ये 1.5 इंच की पाइप की, स्क्वायर पाइप की ये कैंची चलेगी इतने चौड़े फार्म के लिए, या फिर मेरे पास बहुत सारे दिन में कम से कम 4 कॉल आते हैं केवल इस टॉपिक पे कि, या मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट अपने देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में कि सर ट्रस में कितने इंच का पाइप है, कितने केजी का है, इसका प्राइस क्या है। ये तो ये सारा कंफ्यूजन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं सारा कुछ कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूँ कि जितने भी हम लोग फार्म बनाते हैं, तो उन सब में जो भी ट्रस लगाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेट करके, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड सारा कुछ कैलकुलेट करके तब कैंची का डिज़ाइन करते हैं। ऐसे ही नहीं कि देसी मिस्त्री की तरह 4 इंच का पाइप डाल दो, 10 इंच का पाइप डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे वेल्डर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अच्छी कंपनियों में वेल्डर रह चुके हैं, लेकिन अभी हमारे साथ हैं, तो आपको दिखाते हैं पेपर पर। तो दोस्तों, आपने देख लिया पूरे कैंची का, किस टाइप से कैंची बनी थी, साइड पे बन रही है हमारी। और इस मैप में हमने आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया मैं दूंगा आपको, अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो आपका सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा कैंची के बारे में, खासकर इस फार्म पे जो कैंची लग रही है। तो देख लेते हैं, जो ये कैंची का फ्रेम बना हुआ है, जो मैंने रेड पेन से बनाया हुआ है, ये पाइपें आपकी सब 1.5 इंच की लगी हुई हैं, और इसमें जो ये वर्टिकल मेम्बर और ये इंक्लाइंड मेम्बर जितने भी लगे हुए हैं, ये सारे 1.25 इंच पाइप के हैं, सभी स्क्वायर पाइप हैं। और ये जो साइड में इसका आयरन का पोल है, जो पिलर का काम कर रहा है, ये 3x3 इंच का पाइप है, और ये साइड में भी 3x3 इंच का, जैसे कि ये 45 फीट है और ये 24 फीट ये है, 24 फीट ये है, तो उसी को ये ऐड किया गया है, 45 24 24, तो ये 93 फीट हो गया टोटल 1.5 इंच की पाइप। टोटल इस कैंची में 1.5 इंच की पाइपों का प्रयोग, 93 फिट, तो 93 फिट को भाग करेंगे 4.65 आपका ये पाइप निकल कर आ रहा है। तो एक पाइप का वेट 15 केजी था, तो 4.65 में इंटू कर देंगे 15 का, तो इसका वेट आ जाएगा 69.75 केजी, ये 1.5 इंच की पाइप का वेट आ गया। और इसके बाद जो 1.25 इंच की पाइपें प्रयोग हुई हैं, ये सारी लेकर के इन सबको ऐड किया हुआ है, तो टोटल ये 60 फिट लगी हुई हैं। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल 1.25 इंच की पाइपें जो हैं 60 फिट, 60 को भाग देंगे 20 से, तो 3 पाइप आ जा रही है, 3 लेंथ। तो एक लेंथ का वेट था आपका 13 केजी, तो 39 केजी इसका यहाँ पे वेट आ गया। तो टोटल अगर ट्रस का वेट निकालना चाहेंगे तो 69.75 प्लस 39, इसको ऐड करेंगे हम तो 108.75 केजी एक ट्रस का वेट आ गया आपका। और जैसे कि एक ट्रस का अगर आप प्राइस निकालना चाहें, तो हमारा एरिया जैसे जौनपुर यूपी है, मछली शहर हमारे क्षेत्र में, लगभग लोहे का रेट, मछली शहर हो गया, इधर साइड में पड़ता है मुगराबाद शाहपुर, और उस तरफ जौनपुर, इधर मड़ियाहूँ हंडिया, और इधर फूलपुर, लगभग चारों तरफ का रेट यही है, 64 और 65 67 पर केजी का ये रेट है लोहे का, स्क्वायर पाइप का, तो समथिंग यही रेट है अगल बगल में हमारे आसपास में। तो अगर 108.75 में आप इंटू करेंगे 65 का, तो 7068 रुपये एक कैंची का दाम निकल कर आता है। तो इस तरीके से इसका टोटल मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। और एक चीज़ और बचती है इसमें, इस जो कैंची का ये ढलान है ना, ये सेंटर में ये जो वर्टिकल पाइप है, ये 5 फीट की है, यहाँ से इसका ढलान 5 फीट है, और ये जो ग्राउंड लेवल है, से ये फार्म के अंदर का, ये मान के चलो आप पोर्शन है, ये जो ग्राउंड लेवल है, यहाँ से जो ट्रस का निचला भाग है, ये क्लियर जो है इसकी डिस्टेंस 8 फीट है, और जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे जो आपकी ये आयरन पोल है, जो 3x3 इंच का है, ये हमने करीब 3 फीट ज़मीन में इसको कंक्रीट से जाम किया हुआ है। और इसमें जो सीमेंटेड शीट लगने वाली है, वो 10 फीट की, 10 फीट की एक यहाँ आएगी, फिर एक 10 फीट की यहाँ आएगी, और एक 8 फीट इधर आएगी, तो
टोटल तीन लेंथ में इधर पत्रे लगने हैं, 10 10 10 10 और फिर इधर 8 फिट। और पर्लिन वाली पाइपें 6 पाइप इस साइड में जाएंगी, ऐसे एक यहाँ, तो कुल मिला के 6 पाइपें इधर जाएंगी लंबी वाली और 6 पाइपें इधर। टोटल 19 कैंची इस फार्म में लग रही हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बारिश हुई है और मैं भी घर पे हूँ अभी, काम तो बंद है। मैं एक छोटा सा वीडियो डालूँगा उस फार्म की साइट का, कितना पानी वहाँ पे लगा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।